हाँ जी मेरे बेटा जी, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखिए, हमने किया हुआ कि हमारे पास बूलियन लॉजिक क्या है। हमारे पास कि जब हमने नंबर सिस्टम किया था तो थोड़ा बहुत हमने ये सीखा था कि जीरो और वन का मतलब क्या है। जीरो का मतलब क्या होता है? सर्किट ऑफ। और वन का मतलब क्या होता है? हमेशा सर्किट ऑन। तो उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करके हमने कुछ ऑपरेटर्स किए थे। वो कौन कौन से थे? एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में हमने बेटा क्या सीखा है कि अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। सेम वे से अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स जा रहा है और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। देन हमारा अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या रहता है? फॉल्स। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ट्रू। तो उसको डिनोट करने के लिए हम फॉल्स को कैसे करते हैं जीरो, और वन को कैसे करते हैं, हम ट्रू को कैसे करते हैं वन के साथ। तो उसके बाद जब हमने एंड को खत्म किया, उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आ गया? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने क्या सीखा है कि अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है और सेकंड एक्सप्रेशन जो है हमारा वो भी फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स रहेगा। अदरवाइज हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है या हमारा सेकंड एक्सप्रेशन ट्रू है, दोनों केसेस में हमारा आंसर भी क्या रहेगा? ट्रू। और अगर हमारे दोनों एक्सप्रेशन ही ट्रू हैं, तो हमारा आंसर क्या रहता है? ट्रू। ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने नॉट को किया है। नॉट क्या होता है हमारा? जब हम ऑपोजिट जा रहे हो, अगर हमारा फॉल्स है तो हमारा एक्सप्रेशन, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ट्रू। और अगर हमारा आंसर को हमारा क्या है? ट्रू है अगर हमारा, तो हमारा आंसर का चला जाएगा फॉल्स। इस चीज को फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करना है वो है इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। इसमें आपको क्या आएगा कि आपको डिफरेंट एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, उन एक्सप्रेशंस को आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो किसके लिए यूज होता है? मल्टीप्लीकेशन के लिए। और ऑपरेटर किसको डिनोट करता है? हमें प्लस ऑपरेशन को। तो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन है वो दोनों हमारे इस इवेल्यूएशन जिसको हम इवेल्यूएट करने लगे एक्सप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी हमेशा, वो है ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन। ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन क्या होती है हमारी? नॉट एंड और। ठीक है जी, कौन सी होती है? नॉट एंड और। पर अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर, यानी कि ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। आपने मैथ्स में भी देखा होगा कि जब हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स को। तो ठीक है, उसी चीज को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि जहां पे हमारी ब्रैकेट्स है हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स नहीं दी हुई है, तो आपकी सॉल्व करने की सीक्वेंस इस तरह से रहेगी, नॉट एंड और। ठीक है मेरे बेटा, नेक्स्ट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आपने देखना कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिए गए हैं एक्सप्रेशन के अंदर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास दो वेरिएबल है, दैट इज एक्स एंड वाई। जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू है तो आपने उसका ट्रुथ टेबल क्रिएट करना है। तो आपको वो पता है कि ट्रुथ टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? मेरे पास अभी मेरा पेन नहीं है, तो मैं वैसे आपको माउस पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, वाई और एक्स, मैंने दो वेरिएबल जो मेरे एक्सप्रेशन के अंदर थे मैंने उनको ले लिया। अब मुझे उसने बोला क्या है? वैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। ये मेरे बेटा क्या है? एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है? मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। आज हम सिर्फ ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे? हमने गेट्स बनाने शुरू कर देने हैं। गेट्स क्या होते हैं? बूलियन गेट्स क्या होते हैं? वो हमारे एक्सप्रेशन को जब हमने डायग्नेटिक वे से रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? गेट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है जी बेटा जी, अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू है तो हमें ये भी तो पता करना है कि हमने ट्रुथ टेबल क्रिएट कहाँ तक करना है। जैसे कि आपको ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया गया है, कैसे बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल? वाई की वैल्यू देखिए कैसे है, जीरो वन जीरो वन। हम मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट आपकी सीक्वेंस बनती है हमेशा कैसे बनती है? जीरो वन जीरो वन जीरो वन एंड सो ऑन। ठीक है जी, नेक्स्ट आपकी कैसे बनेगी?
2021, देन 2021, थर्ड आपका आ जाए वो क्या बनेगी 1 2 3 4, 4 0 एंड 4 1 एंड सो ऑन। याद है आपको हमने जब नंबर सिस्टम किया था तो आपको ये टेबल क्रिएट करना सिखाया गया था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वाई के अंदर क्या है, मैंने क्या लगा दिया, अब मैंने इसको 4 तक क्यों लिया है, सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज ही क्यों ली है मैंने, इसका रीजन क्या है। देखिए इसको हम किस लॉजिक से फॉलो करते हैं कि हमारा 2 क्या है हमारा बेस और n क्या है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 हमने क्या कर दिया, 2 into 2 4। ठीक है मेरे बेटा जी, अगर सपोज यहाँ पे z भी इन्वॉल्व होता, आपके बुक में एग्जाम्पल्स होगी, सपोज यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाए आपको zx + x + xy, ठीक है जी, कुछ भी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप उसने आपके बुलियन एक्सप्रेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं आपने उनको काउंट कर लेना है और उसके बाद बेस की पावर आपने उतनी रख के आपने निकाल लेना है कि मुझे कहां तक ट्रुथ टेबल अपना क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 की पावर n, क्यों, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं x और y, ठीक है जी, अब 2 की पावर 2 हो गया, क्या हो गया 2 into 2 4, तो मेरा जब 4 आ गया तो मुझे पता चल गया कि जब मैंने इस एक्सप्रेशन को मैंने जब ट्रुथ टेबल की वे में डिफाइन करना है, इवेलुएट करना है, तो मैंने कहां तक करना है, 4 टर्म्स तक इसको इवेलुएट करना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम डिस्कस कर लें। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलिए अब यहां तक हम फॉलो करने के बाद नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि हमने अपने एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल की तरह हमने इसको प्रेजेंट किया है। अब हमने क्या किया, एक्स वाई, मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया मेरे बेटा, यहाँ पे मैंने वाई लिख लिया, अब मैंने वाई को क्या किया 0 1 0 1, ठीक है मेरे बच्चे। अब मेरा नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, एक्स, उसको मैंने क्या लिख लिया 0 0 1 1, ठीक है जी। अब हमें क्या पता है, एक्स एंड वाई निकालना है, एक्स एंड वाई निकालने के लिए हम एंड ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, तो हमें एंड के टेबल से हमें पता है कि जब हम एक्स एंड वाई को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो मेरे बेटा जी 0 into 0 क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद हमारे x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है मेरे बेटा 1, तो 0 into 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, 1, और उसके बाद क्या है 0, 1 into 0 क्या हो जाएगा 0, 1 into 1 क्या हो जाएगा 1। क्या आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम, इज इट क्लियर, एंड एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व किया, सबको क्लियर हो गया मेरे बच्चे? प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, क्योंकि वैसे ही आज हमारी क्लास काफी डिस्टर्ब हो गई। यस मैम। ठीक है चलिए नेक्स्ट, अब हम उसको वही आगे कैरी फॉरवर्ड करने लगी हूं मैं। अब हमें ये तो कर निकाल लिया, अब मेरे बेटा जी आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने एक्सप्रेशन का एक्स इंटू वाई वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब जब मैंने एक्स इंटू वाई का एक्सप्रेशन मैंने जितना सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट मैंने क्या देखा, वो कहता है एक्स प्लस, अब प्लस की बारी आएगी, क्यों प्लस की बारी बाद में क्यों आई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन है कैसे है, नॉट एंड और, नॉट एग्जिस्ट करता नहीं है इसके अंदर तो मैंने उसको सॉल्व किया नहीं, एंड मेरे एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहा था तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब मेरे बच्चे आप ध्यान से देखिए हमारा प्लस का मतलब क्या होता है, और, तो प्लस का मतलब अगर और है तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए अब ध्यान से हमने क्या उठा लेना है, ये है मेरा एक्स और ये मेरा क्या है एक्स वाई, तो बेटा जी आपने एक्स वाई इन दो लाइंस को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, 0 + 0 = 0, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अभी अभी मैंने एक ट्रुथ टेबल ऑलरेडी और का सीखा है, ठीक है जी। तो इसकी एंड की और की मैंने एग्जांपल भी दी थी, वो आप मुझे बताएंगे एंड में कि मैंने क्या एग्जांपल देके समझाया था आपको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 0 और इधर भी क्या है हमारे पास 0, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0, ये क्या है 1 और ये क्या है 0, मेरे पास आंसर क्या आ गया 1, ये क्या है 1 और ये क्या है 1 इधर भी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1।
अब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे एक्सप्रेशन में वो मुझे क्या कह रहा है। अगर आपको पूछे कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये आपका x पड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है? 0011। तो मेरे बेटा जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो भी क्या बन चुकी है? 0011। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 1, 1, मेरे दोनों एक्सप्रेशन मैच कर गए। तो मैं ये क्या कहूंगी कि यस, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ये आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी गई है जिसके थ्रू आपको ये दिखाया गया है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपस में क्या है, इक्वल। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपने सॉल्व करके दिखाना है कि क्या वो आपस में इक्वल हैं, या कई बार आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये कैसे इक्वल हैं, थ्रू द ट्रुथ टेबल एंड थ्रू द गेट्स। हाँ जी बच्चे, क्या आपको टॉपिक क्लियर हुआ? क्लियर है? तो आपकी बुक में मेरे बेटा जी यहाँ के कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं सेम ऐसे ही। तो मेरे बच्चे फटाफट अपनी बुक खोलेंगे। तो हिया हमें एक एक्सप्रेशन बताएगी अब जिसमें तीन वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, बुक से देख के। माय बुक इज इन कंप्यूटर लैब, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू हियर। मैम, x प्लस वाई जेड प्लस जेड। हाँ जी, तो x प्लस वाई इक्वल का साइन है मेरे बेटा बीच में? नो मैम, मैम फर्स्ट एग्जांपल, मैम ये एक्सप्रेशन है, तो मैम तो इक्वेशन बता दो। या अभी एक्सप्रेशन लिखने लगी है चैट बॉक्स में और हम उसको फटाफट सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमको सॉल्व करना आ गया। सुखजीत मैम चैट प्लीज पब्लिक कीजिए। वन सेकेंड। चलिए ही जी, एक्सप्रेशन दीजिए बेटा फटाफट लिख के। यस, वो हिया ने हमें एक्सप्रेशन दिया x प्लस वाई जेड प्लस एक्स। अगर आपके इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ ये बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के रूप में शो कीजिए, तो आप इसको शो कर सकते हैं। अर्जुन, अर्जुन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अर्जुन, एक्सप्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? थ्री। तो हमारा ट्रूथ टेबल कहां तक जाएगा? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? नूपुर, आप बताना चाहेंगे ट्रूथ टेबल कहां तक जाएगा? बेटा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अर्जुन, नूपुर, ट्रुथ टेबल आपका तीन वेरिएबल है, तो मेरे बेटा कहां तक ट्रुथ टेबल बनाओगे? कितनी टर्म्स तक? एट टर्म्स तक। क्यों? टू रेज टू पावर थ्री, टू इंटू टू इंटू टू। वेरी गुड, शाबाश। तो हमने कहां तक जाना है? एट तक। तो क्या मेरे बच्चे फटाफट अपनी नोटबुक में एक ट्रुथ टेबल बना के फटाफट दिखाएंगे? फटाफट क्रिएट कीजिए और देखिए कि क्या आपको याद है कि हमें ट्रूथ टेबल कैसे बनाना होता है और वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे लेनी होती है।
आई एम डन। डन, तो क्रिएट हो गया आपका। तो सबसे पहले आपने एक्स वाई जेड क्या लिख लिया अपनी नोटबुक के ऊपर, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले किधर से शुरू किया, जेड से शुरू किया, क्या वैल्यू दे दी आपने उसको, 0101 एंड सो ऑन, कहां तक चले गए हम, 8 वैल्यू तक चले गए। तो मेरे बेटा जी सेम वे से जब आपने y को किया उसको भी आपने कैसे लिखा मेरे बेटे ने, 0011 ऐसे किया ना आप सबने, ठीक है। अब हमने थर्ड वेरिएबल की तरफ जाना है, थर्ड वेरिएबल हमारा कौन सा है, x। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आपने कैसे ली है, 0000 एंड देन 1111 ऐसे किया आप सबने, यस मैम, ठीक है। तो क्या आपको अब ट्रुथ टेबल क्रिएट करना आ गया, क्लियर टू एवरीवन। अब हिया हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन देगी जिसमें कंपैरिजन होगा, वो पूछ रहा है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या आपस में इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी करवाई थी, तो आप चेक करेंगे कि क्या वो सही बोल रहा है। तो हिया अभी आपको चैट बॉक्स में लिख के दे रही है एक एक्सप्रेशन, वेरी गुड। अब हिया ने एक एक्सप्रेशन तो दिया, पर ऊपर देखिए क्या कर दिया, क्या एक ऊपर हमें एक नजर आ रहा है, पोस्ट ऑफिस डाल दिया, ये क्या कर दिया। अब इसका भी तो कुछ मतलब होगा, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने अपनी टर्म को अपोजिट कर देना हो, इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट करने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0101, x की वैल्यू क्या है, 0101। अब उसने कह दिया कि x कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसका, तो x का कॉम्प्लीमेंट मेरे बेटा जी क्या होगा, जहां पे 0 है वहां पे क्या हो जाएगा 1, जहां पे 1 है वहां पे क्या हो जाएगा 0, जहां पे 0 है वहां पे क्या हो गया 1, जहां पे 1 है वहां पे क्या हो गया 0। क्या मेरे बच्चों को समझ आई मेरी बात, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अनम्यूट करके मुझसे डिस्कस करें। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब एक्सप्रेशन देखो कितना बढ़िया दिया है यार आपको, एक्सप्रेशन क्या दिया है हमें, एक्स प्लस वाई इसका कॉम्प्लीमेंट मांगा उसने, और फिर कहता एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, x लिख लिया, y लिख लिया, y की वैल्यू 0101, x की वैल्यू 0011, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, x प्लस y, मैंने क्या ढूंढना है, x प्लस y, ठीक है। तो आप मेरी हेल्प गुरप्रीत करने लगा है, गुरप्रीत मुझे बताएगा कि x प्लस y क्या आएगा, तो गुरप्रीत बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूं, जीरो 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 वन जीरो प्लस वन वन यस वन प्लस जीरो देन वन 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 एंड देन टू। तो गुरप्रीत को एंड और बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें नेक्स्ट करंट प्लीज बताएगी कि हमें एक्स प्लस वाई पर चल गया, एक्स एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, तरनप्रीत बता मेरे बेटा, करण जी एक्स प्लस वाई तो हमें पता चल गया ये है, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या कोई और बताना चाहता हो, मैम वन जीरो जीरो जीरो, वेरी गुड, सारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं देखो, सबको पता चल गया वन जीरो जीरो, हम इसका क्या कर देंगे ऑपोजिट, ठीक है। तो हमने इस साइड का एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या कहता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें आता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना, कैसे निकालेंगे हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट,
हमने निकाला x का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास जीरो, मैंने क्या कर दिया 1 1 0 0, ठीक है जी। y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, हमें आता है y का कॉम्प्लीमेंट निकालना भी आता है, हमने क्या निकाल दिया 1 0 1 0। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए। चलिए अब मेरे पास क्या था, मल्टीप्लाई एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। मेरे बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट उसने बाहर डाला है, यहाँ पे उन दोनों पे डाला है, इसलिए मैंने इन दोनों का पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन मेरी हेल्प करेगा, वो आंसर बताने में कौन हेल्प करेगा मेरा? मैम हाँ जी बोलिए मेरे बच्चे। मैम फर्स्ट का 1 आएगा। वेरी गुड। सेकंड का 0। शाबाश। 0। थर्ड 0। थर्ड का 0। बाबी 0। वेरी गुड। तो आपको वैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन थ्रू ट्रुथ टेबल समझ में आ गया, वेरी गुड। क्लियर है सबको? चलो थैंक यू वेरी मच, आगे का टॉपिक हम फिर करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, इफ एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।